हेलो एवरीवन। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं पैसे गिन रही हूँ। तो महीने के फर्स्ट में हम सभी हाउसवाइफ के साथ ये प्रॉब्लम है। घर खर्च, हर चीज़ का बिल पेमेंट करना होता है। तो मैं, आप लोग तो जानते ही हैं, मेरे हस्बैंड तो बाहर रहते हैं, तो बस वो अकाउंट में पैसे भेज देते हैं और उसके बाद मेरा सिर दर्द चालू हो जाता है, क्योंकि हर जगह पेमेंट करना, दूध का बिल, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, राशन, दवाई, सब कुछ, घर में बहुत सारे छोटे मोटे खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ मैं घर का सारा काम कर फ्रेश होके मैं 11 बजे के आसपास मार्केट आ गई हूँ। हमारे यहाँ छोटे छोटे दुकान हैं, तो यहाँ पे मैंने सामान स्कूटी पे रख लिया है। और जब स्कूटी स्कूटी रहने से फ्रेंड बहुत मेरे लिए बेनिफिट हो गया, नहीं तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो पहले तो मैं स्कूटी चलाने नहीं जानती थी बहुत, मतलब इधर हाल में ही 3-4 साल पहले मैं सीखी हूँ, और मैंने तो साइकिल भी नहीं चलाया था। तो लोग बोलते थे ना कि आपने तो साइकिल भी नहीं चलाया, पता नहीं सीख भी पाओगे या नहीं। तो थैंक्स उस लड़के का जिसने, जो हमारे ऊपर में रहते हैं, मेरी भाभी का बेटा है वो लड़का मुझे दौड़ दौड़ के स्कूटी सिखाया था फ्रेंड। और उसी की वजह से मैं आज स्कूटी सीख गई हूँ और अब बहुत अच्छे से चला भी लेती हूँ। तो इससे मेरा काम बहुत इजी हो जाता है। तो अब यहाँ पे पानी वाले भैया आ ही गए थे, मैं सोची कि चलो इनका भी बिल पेमेंट कर ही देते हैं, क्योंकि सबका पेमेंट होने के बाद मैं शांति से मतलब रहूँगी। तो इसी तरह मेरी है हो जाती है, महीने के 10-15 तारीख तक तो मेरी बस ये वाली बिल, वो वाली बिल, ऐसे ही चलता है फ्रेंड। और शायद सभी हाउसवाइफ के साथ ऐसे ही हो रहा है। तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड मैं इतना सारा राशन लाई हूँ, और ये देखिए इधर आलू प्याज जो भी सब्जी है। तो मार्केट में ब्रोकली मिल रही थी तो मैं ब्रोकली भी ले ली हूँ। और यहाँ पे राशन है घर का। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये चकला बेलन है। ये कोई छोटी सी बच्ची बेच रही थी, मैं उस समय वीडियो शूट नहीं कर पाई, छोटी सी लड़की थी, तो मुझे पूजा के लिए चाहिए था, तो मैं सोची ले लेती हूँ और उसका भी बिक जाएगा। तो बस ये ली हूँ। और काफ़ी सारा राशन है फ्रेंड, बहुत सारा। अब मुझे सबको अरेंज करना है। तो ये देखिए मैं इसे ऐसे लाऊँ, ये भी आलू प्याज है, आलू प्याज लहसुन मिर्ची। तो यहाँ पे मैं सब्जी भी ली हूँ, तो बिल्कुल फ्रेश ब्रोकली मिल रही थी, घर का कोई लेके बेच रहा था तो मैं ले ली, 50 रुपये केजी। तो अब चलती हूँ जल्दी से सभी कुछ, और घर के पास ही धनिया पत्ता ली थी, और बहुत पूरा दिन। तो फ्रेंड अब कुछ अरेंज करना है, तो इधर रखा हुआ है, अब इधर रखा हुआ है। तो फिर मिलते हैं आपसे। छोटे वाले आलू लाई हूँ, इसकी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये तो पहले ही लाई थी, और ये वाला लहसुन इस बार लाई हूँ दाने वाली। तो फ्रेंड ये वाला लहसुन थोड़ा कम प्राइस में मिलता है और ये अच्छा भी रहता है, बिल्कुल अच्छा ही है। और हम हाउस वाइफ तो आपको पता ही है, एक एक रुपया भी बचाना चाहती हैं जहाँ पे बच जाए। तो बस यही, अभी सब सामान को मुझे जल्दी से अरेंज करना है। ये वाला आलू पुराना आलू है फ्रेंड, और ये वाला बिल्कुल न्यू आलू है। तो जो नए वाले आलू होते हैं तो इसकी मैं सब्जी वगैरह बनाऊंगी, और ये वाले का चोखा वगैरह बनाऊंगी। तो इसको अब मैं इसको अरेंज करने के लिए जगह सोच रही हूँ कि इसे कहाँ रखूँ, क्योंकि बिल्कुल जगह नहीं है, और ये छोटे वाले आलू को फिर कहाँ जगह एडजस्ट करूँ। तो दोस्तों इधर मैं सब्जी वगैरह जल्दी जल्दी रख लेती हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज अदरक वगैरह ये सब जितना भी बिखरा हुआ है, और लहसुन प्याज के छिलके से ना घर काफ़ी गंदा हो जाता है,
तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी खाना भी बना रही हूँ क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो रहा है और बज रहे हैं 3, बस 5-10 मिनट में बच्चे भी आ जाएंगे। और ये वाली जो बोरी है ना नेट वाली, ये भी काम आ जाती है। तो जो हमारे यहाँ कुआँ है वहाँ कुएँ में ये जाली लगा देती हूँ ताकि उसमें कुछ कचरा ना गिरता हो। तो वो जिनसे मैं सब्ज़ी वगैरह लाती हूँ, वो मतलब आलू प्याज, वो वाले भैया को मैंने बोल रखा था, तो बोले आज बोरी है मैं दे देता हूँ। हाँ मैं बोली भी दे ही दो अगर आपके पास है तो, क्योंकि तो मुझे भी कभी कुछ वैसे भी इसमें पुराने जो कॉपी किताब होते हैं ना बच्चों के, वो भी मैं इसे मैं भर के रख देती हूँ। ये बहुत बोरी बहुत काम की होती है, तो मैं वैसे भी कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ फ्रेंड, कोई भी चीज़ काम आ ही जाती है। तो मैं स्टोर रूम में इसे रख दूँगी। और आलू प्याज से इतनी मिट्टी निकली है तो अभी मुझे झाड़ू फिर करना होगा, पोछा करना होगा। तो फ्रेंड ये मैं आंवला लाइट ली थी और इसे मैंने बॉयल कर लिया है बस हल्का सा, और अब इसके अचार बनाऊंगी। तो आंवला बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, तो इसका अचार मुझे बनाना है। बहुत सारा काम है फ्रेंड, बहुत सारा। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल धूप नहीं निकल रहा फ्रेंड, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रहा है। तो इसे अभी बस अब सामने इसको बनाऊंगी, अभी तो नहीं कि अभी मुझे, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है। पत्थर वाला जैसे वो ब्लू वाला डिब्बा है ना मसाला वाला, वही वाला लेके आ। और वो अभी मूंग पर एक आधा डिब्बा देखो बड़ा खाली है तो लेके आना, ये वाला उसी तरह का बड़ा सा छोटा वाला तीन तरह का जो नीचे में है वो ले।
तो फ्रेंड हो गया सब साफ, तो अब बस रोटी बनाऊंगी बच्चों के लिए। अब बस रोटी बनाऊंगी और बिस्किट बच्चे खा रहे थे तो मुझे भी ये खिला दिए, और यहाँ साफ करूंगी। ये काम होने के बाद मेरा सर दर्द थोड़ा कम हुआ है, तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। वाला निकालने के लिए खीरे लहसुन के खीरे आमला वाला अचार बनाएंगे। सोच सोचे जाते हैं तो सही हो जाएगा, सब काम पहले पापा करते हैं। तो फ्रेंड हम लोग तो यहाँ पे ये कर रहे हैं, और देखिए उधर कौवा नहा के आ गई है। इतना ठंड है फ्रेंड, बहुत ज्यादा ठंड है। बताइए 4 बजे नहाई है, 4 बजे बहुत हिम्मत बना के नहाई है बेचारी। तो अब नहा ली, तो बस अब हम लोग ये कर रहे हैं। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए से और अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय फ्रेंड।